हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ इंद्रजीत। चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस साइड आके मैं वीडियो इसीलिए बनाती हूँ क्योंकि यहाँ से ना सामने बालकनी से बाहर की जो नेचुरल लाइट है ना वो आती है बहुत अच्छे से। यहाँ पे ना वीडियो में क्लैरिटी आ जाती है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे आके वीडियो की स्टार्टिंग करनी बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो अंदर का शूट करना होता है जब अंदर के काम होते हैं, बट यहाँ पे एक नेचुरल लाइट आती है ना बाहर से, तो बड़ी अच्छी क्वालिटी आती है वीडियो में। सो कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कॉमेंट करके प्लीज़ बता दिया करो अपना भी हालचाल। सो बस अभी मैं एक अनबॉक्सिंग करने लगी हूँ। एक पार्सल ये मेरे पास आया हुआ था, चाकू और ये बॉक्स और नाइफ लेके मैं बिल्कुल रेडी हूँ। एंड कल मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया था कि मैंने एक अगारो ब्रांड का चॉपर मंगवाया था, इलेक्ट्रॉनिक है वो, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। इतनी लाइफ किचन की मेरी इजी कर दी उसने, मैं बता नहीं सकती। और ये दूसरा प्रोडक्ट भी किचन का ही है और इससे भी मेरी आई होप कि मेरी लाइफ किचन वाली इजी हो जाए। ब्रेकफास्ट बनाना, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है, बच्चे को लंच में टिफ़िन में क्या देना, बस सोचती रहती थी सुबह सुबह उठ के क्या बनाऊं। तो इसमें जो प्रोडक्ट है ना वो मैं अभी आपको खोल के दिखा रही हूँ और इससे भी मेरी लाइफ इजी होने वाली है। तो गाइज, मैं ना सारा सामान उठा के किचन में ही ले आई वापस से। ये बॉक्स है इसका, आप देख सकते हो, ये एक सैंडविच मेकर है 3-in-1 का, 750 वॉट है और 1 ईयर की वारंटी इसमें मुझे मिली है और ये लिब्रा ब्रांड का है। सो ये कुछ ऐसा है डिज़ाइन इसके ऊपर ड्रॉ किया हुआ, बाकी मैं आपको सामने से लाइव दिखाती हूँ। और इसके अंदर से मुझे ये दो एक पेपर और ये एक मैनुअल रिसीव हुई है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल इसकी, तो इसमें से आप सारी चीज़ें जो भी हैं सीख सकते हो। सो इस तरीके का आपको एक मिलेगा इसमें से। बॉक्स को रखते हैं साइड में। एंड इसके साथ ही मुझे एक ये चीज़ दिखी है, इसमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लिब्रा ब्रांड और ये फ्री, इसमें सैंडविच मेकर मेंटेनेंस किट है, इसमें फ्री मिली है ये हमें साथ में, तो ये चीज़ मुझे पता नहीं थी। और इसकी जो वर्थ है ना वो 699 की है, मतलब अराउंड 700 समथिंग। तो इसमें जो है सिलिकॉन तवा, सिलिकॉन ब्रश, वुडन स्पून, माइक्रोफाइबर वाइपिंग क्लॉथ, नॉन स्टिक क्लीनिंग डिटर्जेंट। सो ये सारी चीज़ें, ये इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है आप पढ़ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है, अमेजोन पे अवेलेबल है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। सबसे पहले ये वाला बॉक्स खोल के देख लेती हूँ कि फ्री चीज़ें क्या मिली हैं साथ में। एक्चुअली पैसे लगा के चीज़ लो तो इतना मज़ा नहीं आता जितनी फ्री की चीज़ खोलने में मज़ा आता है। सो पहले फ्री वाली चीज़ देख लेते हैं। और गाइज, मैंने इतनी गर्मी में वीडियो शूट कर रही हूँ फ़ैन ऑफ करके, ताकि आपको वॉइस अच्छे से क्लियर आए मेरी, और बस यही बात है। इसीलिए वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट ज़रूर देना, कमेंट लाइक जितने हो सके भर भर के कर दो। और इसको तो पूरा निकाल ही दिया मैंने, ये देखिए। इसके साथ ये प्लेट्स मिली हैं, ये वेफल बनाने के लिए, ये वेफल मेकर है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, नॉन स्टिक है ये पूरा। सो दो ये हैं एंड बहुत अच्छे से पैकिंग करके दी है। और दो ये हैं टोस्ट बनाने के लिए, सैंडविच बनाने के लिए। नेक्स्ट एक आई थिंक एक इसके अंदर फिक्स होगा, वो लगा हुआ होगा इसी में, देखती हूँ मैं। सो गाइज, मैं ना आपको एक चीज़ बताना भूल गई। मैंने आपको ये तो बता दिया कि फ्री की ये चीज़ें मिली हैं साथ में, बट ये मुझे रिसीव अभी नहीं हुई हैं। 700 की इनकी वर्थ है,
सो इसमें जो लिखा हुआ है ना, यू सिंस यू आर अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली वी वुड लाइक टू शो आवर ग्रेटिट्यूड बाय ऑफरिंग यू अ फ्री गिफ्ट वर्थ 699। सो इसमें जो आगे मेन चीज़ लिखी हुई है ना चार लाइनों की, वो तो मैं पढ़ के आपको बताया ही नहीं और ना मैंने खुद पढ़ी। इसमें लिखा है वी आर श्योर दैट यू हैव लाइक्ड आवर प्रोडक्ट दैट यू हैव परचेज्ड थ्रू ऑनलाइन, प्लीज़ गिव अस अ 5-star रेटिंग एंड सेंड अस द स्क्रीनशॉट ऑफ आर ऑफ़ योर रेटिंग बाय व्हाट्सएप। सो व्हाट्सएप पे मुझे इनको स्क्रीनशॉट भेजना है, अमेजोन पे 5-star की रेटिंग देनी है, अच्छा सा रिव्यू देना है, व्हाट्सएप इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे मुझे ये स्क्रीनशॉट देना है एंड गिव योर फुल एड्रेस एंड मुझे अपना फुल एड्रेस भी वहाँ पे सेंड करना है। द गिफ्ट शैल बी डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप। उसके बाद फिर ये मुझे इसका ये वाला गिफ्ट देंगे जिसमें 700 रुपये का ये पूरा सामान आपको शो हो रहा है पिक्चर में, 1, 2, 3, 4, 5 आइटम्स हैं। सो उसके बाद ये मुझे व्हाट्सएप पे देंगे ये सामान। मुझे पहले लगा वो छोटे वाले बॉक्स में ये सारी चीज़ें होंगी बट उसमें से ये ट्रे निकली हैं। सो ये भी मुझे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि अगर ये इस चीज़ को मतलब बोल रहे हैं तो ये ऐसा करेंगे नहीं, ये बिल्कुल क्लेम करते हैं, देते हैं ये सामान। अभी मैं पहले आपको ये सारा दिखा देती हूँ, देन उसके बाद फिर मैं आराम से फ्री होकर व्हाट्सएप नंबर पे इनको रिव्यू और 5-star के स्क्रीनशॉट भेजूंगी। तो ये बात का प्रोसेस है, जब भी मुझे कभी रिसीव होगा आने वाले टाइम में तो मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें किसी व्लॉग में दिखा दूंगी, ठीक है ना। तो चलिए अभी नेक्स्ट जो मेन प्रोडक्ट है हमारा उसकी तरफ चलते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये इसका मैंने कल वीडियो बनाया था, ये इलेक्ट्रॉनिक चॉपर है, बहुत मस्त बढ़िया चीज़ है ये। सो अभी इसको करते हैं ओपन। श्री गणेश किया मेरे राइट हैंड ने। और ये ऐसे, ये देखिए मैंने बोला था ना ग्रिल की जो ट्रे है वो इसमें लगी होगी, तो ये जो इसमें ना लॉक्ड हो जाती हैं, ये ऐसे पूरे क्लिप लगे हुए हैं तो इसको हम निकाल सकते हैं। इसको हम पीछे ऐसे करेंगे तो ये ट्रे बाहर आ जाएगी। अभी मैं ना इसको लगा नहीं पा रही थी, मुझे लगा कि ये ऐसे बटन पीछे करके ये फिक्स कैसे होगा, तो मुझे लगा शायद ये ऐसे ही होगा, तो मैं इसको बंद करने का ट्राई कर रही थी तो ये बंद नहीं हो रहा, अटक रहा है। तो ये बंद कैसे होगा मैं बताती हूँ आपको। ये जो ट्रे है ना इसको सबसे पहले हमने ये जो एरिया है ना इसका, इसको हमने सबसे पहले इसके अंदर ऐसे फिक्स करना है, देन बटन पीछे करके इसको हम ऐसे प्रेस कर देंगे तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो अभी ये बंद हो गया है और इसकी जो ये वायर इलेक्ट्रॉनिक है ये गाइस पूरा, और इसकी कॉर्ड जो है आप देख सकते हो ये बहुत ही काफ़ी अच्छी है, बड़ी है, मतलब आपके किचन एरिया में जो आपके सॉकेट्स होते हैं वहाँ पे इजीली आ जाएगी इसकी लेंथ। और बाकी ये नीचे से कुछ ऐसा है, बहुत ही अच्छा है, हैंडी है, यहाँ से आप देख सकते हो। और अभी इसके ब्यूटी शॉट्स भी दिखाऊँगी मैं आपको। अभी आप मेरे फेस की हालत देख सकते हो, पूरा पसीना पसीना, स्वेटिंग हो रही है पूरे फेस पे, फैन बंद है तो गर्मी में वीडियो शूट कर रही हूँ ताकि वॉइस क्वालिटी अच्छी आए। सो चलिए अभी गर्मी बहुत लग रही है, फैन ऑन कर लेती हूँ और आपको इसके ब्यूटी शॉट्स दिखाती हूँ मैं। तो दोस्तों मैंने सारा सामान निकाल दिया है, सो अभी 2-3 आइटम्स मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इसमें इतने दक्षु को भी स्कूल से लाने का टाइम हो जाएगा, मुझे लग रहा है आज फिर दक्षु के पापा ही जाएंगे उसको लेने,
सो ये सारा सामान सैंडविच बनाने का, टोस्ट वगैरह बनाने का मैं ले आई हूँ यहाँ पे। सो फटाफट से प्रिपेयर करते हैं सारी चीज़ें, तो उसके बाद दिखाती हूँ कि आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी कि कैसे बनता है। मैं भी फर्स्ट टाइम आपके साथ एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो गाइज मेरे पास ना ये बटर है, फ्रिज में रखा हुआ है, इसको ओवन में थोड़ा मेल्ट कर लेती हूँ, उसमें लगाने के काम आएगा। ये हरा धनिया, हरी चटनी और ये थोड़ा सा ना, मैंने सुबह सुबह दक्षु को आलू के पराठे बना के दिए थे, उसमें से ये पेस्ट रख ली थी ताकि मेरी वीडियो शूट में सैंडविच बनाने के काम आए। तो ये वो है, फटाफट पहले प्याज वगैरह कट कर लेती हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पे ना सारी चीज़ें बनाने का मैंने सामान यहाँ पे रेडी कर लिया है। सो अगर टाइम नहीं मिला तो शायद मैं वेफल्स ना बना पाऊँ, इसकी ना एक अलग से स्क्रीनशॉट दिखा दूँगी आपको कि वेफल्स कैसे बनते हैं। अगर टाइम हुआ मेरे पास तो मैं बना दूँगी। सबसे पहले मैं अभी यहाँ पे मैंने दो ब्रेड ले लिए, ब्रेड ना बड़े साइज़ की हैं एक्चुअली मेरे पास, मैंने ये दो ब्रेड ले लिए। इसके ऊपर हम लगाएंगे ग्रीन चटनी, दिख रहा है ना वीडियो में, अकेले जब व्लॉगिंग करनी होती है ना तो ये सारी चीज़ें ना खुद ही देखनी पड़ती हैं, कैमरा एंगल पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा, और काम की तरफ भी ध्यान होता है कि वीडियो भी अच्छे से बने। इसमें मैंने ये ग्रीन चटनी नीचे लगा दी है। किसी भी तरीके से यार आप बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि कुछ अलग चाहिए होता है, किसी भी तरीके से आप बना सकते हो। ये आलू की फिलिंग है ना, ये मैं इसमें ऐसे लगा दूँगी, अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। ग्रिल बना रही हूँ गाइस अभी मैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। और ग्रिल सैंडविच आप नॉर्मली ऐसे ही बटर लगा के इसमें सेक के ऐसे भी खा सकते हो, और फिलिंग नहीं करनी हो तो। मेरे पास सामान था तो मैंने फिलिंग करके आपको ऐसे दिखा दिया। तो इसमें मैंने ये लगा दिया है, एक ही साइड लगाने की ज़रूरत है, दूसरी साइड को मैं ऐसे ही पलट दूंगी। इसको रखते हैं साइड में अभी, और इसमें थोड़ी थोड़ी सी मेयोनीज लगा देते हैं। तो गाइज अभी हम ग्रिल सैंडविच बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे ग्रीन चटनी लगाई थी नीचे, आलू की फिलिंग मेरे पास पड़ी थी वो लगा दी है, मेयोनीज और टमाटो सॉस लगा के मैं इसको कर दूंगी बंद। आपका मन है अगर आप इसमें भी कुछ भी वेजीज वगैरह डालना चाहो, जैसे ये मैंने कट करके रखा है, तो डाल सकते हो, बट मैं नहीं डाल रही, मैंने इसको बंद कर दिया। ओ थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं एक्सपर्ट शेफ नहीं है ना गाइज हम, इसीलिए भूल जाते हैं चीज़ें। तो चलिए अभी इसको लगाते हैं, ठीक है ना। अब इसको कैसे लगाना है पहले मैं वो देख लेती हूँ, इसको प्री हीट करना है या क्या करना है ना। ग्रिल फूड बना रही हूँ तो ग्रिल फूड की मैंने सारी पढ़ ली हैं, रीड कर ली हैं। सबसे पहले हम पावर स्विच ऑन कर लेते हैं, यहाँ से ऑन हो गया है और ये दोनों लाइट्स जो है ना वो ऑन हो गई हैं, ये देखिए ग्रीन एंड रेड लाइट दोनों ऑन है यहाँ पे, ठीक है। ग्रीन लाइट वेंट आउट, हाँ जब ग्रीन लाइट बंद हो जाएगी ना, रेड लाइट ओनली द रेड लाइट रिमेन ऑन, तो रेड लाइट ऑन रहेगी, ग्रीन लाइट जब बंद हो जाएगी उसके बाद हमें फिर आगे का प्रोसेस करना है, ठीक है। अप्लायंस हैज़ हीटेड अप एंड द पावर इंडिकेटर ग्रीन लाइट वेंट आउट, जब ये बंद हो जाएगी जब तक ये हीट हो जाएगा, ग्रीन लाइट ऑफ हो जाएगी तो समझो ये हीट हो गया है। उसके बाद क्या करना है, लिफ्ट अप द लिड, इस लिड को हैंडल से पकड़ के स्लाइटली ऊपर करना है, मतलब खोल देना है इसको। ग्रिल प्लेट के ऊपर बटर लगाना है, कुछ भी जो भी आपका सुटेबल ग्रिलिंग होगा उसके अकॉर्डिंग आप बटर या ऑयल वगैरह कुछ भी लगा सकते हो। एंड द अप्लायंस इज़ रेडी फॉर ग्रिलिंग फूड नाउ, तो उसके बाद फिर आपको अपना प्लेस कर देना है फूड इसमें जो भी लगाना है, लोअर प्लेट में, नीचे वाली प्लेट में। डू नॉट पुट द टू मच फूड, तो इसमें ज़्यादा फूड मत भर दीजिए, नॉर्मली इसी साइज़ का फूड इसमें आप फिल कर सकते हो। क्लोज द लिड एंड देन लोअर द क्लैश अनटिल द लैच इज ऑन आफ्टर 2 मिनट, 2 मिनट तक आपको इसको बंद रखना है। लिफ्ट अप द लिड ऑन द हैंडल टू चेक इफ द फूड इज डन, आप चेक कर सकते हो अगर आपका फूड डन हो गया है, देन आप फिर उसको खाने के लिए सर्व कर सकते हो इफ नेसेसरी। टर्न द फूड अराउंड द कुक टू योर लाइकिंग, आपके पसंद के अकॉर्डिंग अगर आपका फूड जो है रेडी हो गया है, अगर नेसेसरी है तो आप इसको निकाल सकते हो, अदरवाइज आप वंस कुक्ड रिमूव द
फूड विद द वुडन और प्लास्टिक स्पैचुला। वुडन या प्लास्टिक के स्पैचुला से आप अपने फूड को निकालोगे, ऐसे मत निकालना बिल्कुल भी। और स्टील का या लोहे का कोई भी ऐसा स्पैचुला यूज़ मत करना जो कि इसकी प्लेट्स को ख़राब करे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। और ये जो भी सैंडविच, ग्रिलिंग और वेफल कुछ भी बनाते हो, उन तीनों में ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो बस ऐसे ऐसे करके ये आपका हो जाएगा रेडी। तो अभी ग्रीन लाइट ऑन है, बंद होएगी तो मैं आपको फिर कंटिन्यू करके दिखाती हूँ। तो जी ग्रीन लाइट ऑफ हो चुकी है, इसको हम खोलेंगे और इसमें हम बटर लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने ऊपर और नीचे बटर लगा दिया है सिलिकॉन ब्रश की हेल्प से। अभी मैं इसको यहाँ पे रख दूँगी एंड इसको हम करेंगे अभी इसको करेंगे हम यहाँ से क्लोज़। ठीक है, अभी मैं इसको वेट करती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि बना है या नहीं। तो गाइस जब तक ये बन रहा है तब तक मैं ना नेक्स्ट सैंडविच जो बनाना है वो रेडी कर लेती हूँ। ठीक है, चटनी मेरी ग्रीन चटनी ख़त्म हो गई है, बट ठीक है, दो हमारे ये ग्रिल और सैंडविच बन गए हैं, इनके लिए इनफ है ये। चलिए ये हो गया ग्रीन चटनी, अभी लगाएंगे हम सॉस। इसको हम स्प्रेड कर लेते हैं। ऐसे ही बना लो यार सैंडविच, टोस्ट वगैरह ऐसे ही बन जाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी इसमें फिलिंग कर सकते हो, कुछ भी कैसा भी बना सकते हो। बस मैं तो जस्ट ट्राई के लिए आपको मेकर में बना के दिखा रही हूँ। तो गाइस इसमें ग्रीन लाइट आ गई है, तो इसको हम करते हैं पीछे से ऑफ। ठीक है, अब मैं इसको खोल के देखती हूँ। ओह माय गॉड, व्हाट अ टेक्सचर, ये देखिए। अभी इसको प्लास्टिक के स्पैचुला से निकालना पड़ेगा। मेरे पास वुडन के हैं एक्चुअली, तो वुडन के मैं निकालूंगी स्पैचुला सेट वगैरह। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा क्रंची बना है, क्रंची एकदम। वैसे आप इसको और ज़्यादा सेक सकते हो। देखिए मैं अभी और एक बार लगाती हूँ इसको, थोड़ा और ऑन करो इसको, थोड़ा और इसको एक मिनट के लिए लगा देती हूँ, तब तक ये करती हूँ। चलिए अभी इसमें छोटी छोटी शिमला मिर्च रख देते हैं कुछ इस टाइप से, इसकी सुंदरता भी बढ़ जाएगी और टेस्ट भी आ जाएगा हमें खाने में। सो गाइस यहाँ पे मैंने कोरिएंडर वगैरह भी डाल दिया ऊपर, ये मैं थोड़ा सॉल्ट डाल रही हूँ इसमें। आप अपने अकॉर्डिंग ना इसमें वो भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, कुकुम्बर वगैरह डाल सकते हो, कैरेट डाल सकते हो, कोई भी वेजेस डाल सकते हो। तो अभी इसके ऊपर हम डाल देंगे मेयोनीज़, यमी यमी सी। ये लाइट ऑफ हो गई है, इसको देखते हैं ओपन करके। देखिए अभी इसका कलर और डार्क हो गया, आप जितना चाहे इसको क्रंची कर सकते हो। पीछे से मैंने स्विच ऑफ किया है, इसको प्लेट में रखते हैं। रुको, ये देखिए ये ग्रिल हमारा बन के रेडी है। दक्षु को ना ऐसे टिफ़िन में भी दे सकती हूँ मैं स्कूल के, ये ऐसा है कुछ। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। अभी मैंने पीछे से पावर ऑफ कर रखी है, तो ये मेयोनीज डाल दी थी मैंने इसमें। अभी इसको करते हैं बंद, और कुछ डालना चाहो तो आप लोग डाल सकते हो, मेरे पास जितनी चीज़ें थी मैंने डाल दी। जी ग्रिल फूड तो मेरा हो चुका है रेडी, अभी हम सैंडविच बनाएंगे। और सैंडविच बनाने के लिए मुझे इसकी ट्रे जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, ग्रिलिंग वाली अलग थी तो उसको निकाल के मैं सैंडविच वाली वो जो ट्रायंगल वाली होती है ना वो लगा दूंगी। सो गरम काफ़ी है तो इसलिए केयरफुली प्लेट्स को निकालना पड़ता है। तो मैंने एक कॉटन की क्लोथ की हेल्प से उसको निकाला, क्लिप्स खोल के ट्रे चेंज की है। तो अभी हम लगाएंगे सैंडविच की ब्रेड जो मैंने फिलिंग करके रखी हुई है। सो वैसे तो हम एक बार में एक ही चीज़ बनाते हैं, बट यहाँ पे मैंने इसको इसीलिए चेंज किया है क्योंकि मुझे इसी वीडियो को इसमें ख़त्म करना है, दो रेसिपी बना के दिखा के आप सबको। तो मैंने ग्रिल वाला निकाल दिया प्लेट, तो टोस्ट वाले मैंने अभी लगा दिए हैं, ग्रिल वाले निकाल दिए। तो अभी टोस्ट वाला जो है वो गर्म हो रहा है, ग्रीन लाइट जैसी बंद होएगी ये प्री हीट हो जाएगा, देन फिर मैं ये सैंडविच जो है इनके अंदर रख दूंगी। इसमें ये अभी प्लेट्स गर्म है, बहुत ही केयरफुली मैंने इनको निकाला है कपड़ा पकड़ के उसकी हेल्प से। तो जब आप मतलब एक चीज़ बनानी है तो एक ही चीज़ बनाया करो, बार बार निकालना गर्म होता है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि केयरफुली इस चीज़ को यूज़ करना। आप मुझे तो अभी तीन वीडियो मतलब तीन आपको ये बना के दिखाने हैं ना फूड रेसिपी, तो इसीलिए मैंने अभी इमिजिएटली इसको निकाल के चेंज किया है, क्योंकि फिर एक ही वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें ख़त्म करना चाहती हूँ।
सो इस वजह से, तो बस अभी इसको होने दो गर्म, फिर ये लगा के दिखा। सो गाइज, इसमें सैंडविच बनाने की ट्रे जो है वो चेंज की थी और वो ठंडी थी, इसीलिए इसको दोबारा से प्री हीट करना पड़ा था, और प्री हीट हो चुका है ये। अभी मैंने इसके अंदर बटर लगा के सैंडविच का जो ये मैंने बनाया है रेडी किया है, सैंडविच मैंने इसके अंदर रख दी है, और चलिए वेट करते हैं थोड़ी देर का। वैसे 2 मिनट इसमें लिखा हुआ है, बट ये 3 से 4 मिनट आराम से ले लेता है अच्छे से। प्रॉपर सैंडविच या टोस्ट वगैरह अगर बनाने हैं, अच्छा सा आपको कलर टेक्सचर चाहिए, तो ये कम से कम भी 3, 3.5 से 4 मिनट तक तो ये टाइम ले लेता है। सो क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाया है तो अभी मेरे को आइडिया हो गया। पहले मेरे पास दूसरा था, मैनुअल जो बनाते हैं ना वो वाला था, बट इलेक्ट्रॉनिक वाला अब मुझे आइडिया हो गया इसका भी। तो गाइस, लाइट ऑफ हो चुकी थी ग्रीन वाली, और मैंने पीछे से ना स्विच ऑफ कर दिया है पावर का, वो देखिए। ठीक है, तो चलिए अभी इसको निकालते हैं सैंडविच टोस्ट को बाहर। ये देखिए कितना अच्छा बना है, मेयोनीज भी बाहर आ गई है। ये देखिए, इसमें ना ऑमलेट वगैरह कुछ भी, एग वगैरह डाल के कुछ भी बना सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे यार ये। ये देखिए, ये हमारा सैंडविच बन के रेडी है, ये हमारा ग्रिल टोस्ट बन के रेडी है। तो दोनों को एंजॉय कीजिए, मेयोनीज, टमाटो केचप किसी चीज़ के भी साथ। तो वेफल बनाने अभी बाकी हैं, तो अभी वेफल देखती हूँ, किसी और वीडियो में बना के दिखाऊंगी। वैसे नहीं तो यहाँ पिक्चर लगा दूंगी कि कैसे बनते हैं वेफल्स, क्योंकि अभी मेरे पास गाइस टाइम कम है और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गई है। प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए मैंने आपको। यहाँ से प्लग ऑफ निकाल के ना हम इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। ये प्लेट्स ना ठंडे होने के बाद ऐसी कॉटन के कपड़े से साफ करके रख दूंगी। तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपको हर बार प्लेट्स को धोना ही धोना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कॉटन का कपड़ा एक रखो, प्लेट्स ठंडी होने दो, ट्रे जो है ये, और वाइप करके इनको अच्छे से आप प्लेस कर दो कहीं भी, आप जहाँ भी आपको लगे कि हाँ आपके घर में यहाँ पे ये चीज़ सिक्योर है। प्लेट हाथ से गिरनी नहीं चाहिए ये वाली ट्रे, क्योंकि फिर क्रैक टूटने का डर बना रहता है। तो आप केयरफुली कहीं भी आप अपनी किचन में रख सकते हैं। तो अभी तो ये ठंडा हो रहा है, गर्म है बहुत ज़्यादा, तो चलिए अभी हस्बैंड को बुलाती हूँ, या फिर रेडी होके खुद ही ये पैक करके नीचे ले जाती हूँ, गाड़ी में बैठ के आराम से वो खा लेंगे, और दक्षु को लेके आते हैं। दक्षु को तो स्कूटी से लेने जाएंगे हम। चलिए, आज मेरे हस्बैंड का न्यू फ़ोन भी आने वाला है, वो दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।